मेरा ख्याल और सवालों के बादल हटा के सूरज ला, मंजिल गोरा कागज अब तू आई है कुछ लिख के जा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, लाल किले में क्या हुआ मुझे क्या। You alone? No, they are different categories. Both are different. ये है पूरा रूम और ये पूरे पूरे फ्लोर में सेकंड फ्लोर में बस हम यहाँ अकेले। मतलब फोटो से तो थोड़ा छोटा ही है पर है भाई, दो लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वाईफाई है, फ्री का वाईफाई है और क्या चाहिए, फ्री का वाई एसी भी, सेंट्रल एसी है एक्चुअली। ऊपर होटल में जाओगे कुछ मेनू में ऑर्डर करोगे ना तो खाने के बाद वो पैसे बढ़ा देते हैं। तो अच्छे होटल में जाओ, मतलब ऑथेंटिक होटल में, थोड़ा लोगों से रिव्यू लो कौन सा होटल अच्छा है। इस होटल से ऑटो करोगे तो 50 रुपये लेंगे कैनॉट प्लेस के लिए और उसके बाद 100 रुपये लेंगे US एम्बेसी तक। ट्रेन हम आए डोरंटो एक्सप्रेस से। उनके टिकट में सब कुछ, खाना और नाश्ता, चाय, डिनर, लंच सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी ट्रेन है, एकदम स्मूथ है। नाम करो ना मैंने बात करा तो तेरी ग्रंथ लिखी, जो मैंने हाथ चला तो मैं भी शब्द कोश, तेरे मुंह पे भगा मैंने दर्द रोज रोज सहते, यहाँ पे नहीं इतने साल लगे इतने पाप खड़ा भर तू आज ना को पश्चाताप करूं पूरी रात तेरी पूजा आज करने के बाद वाला मरीज दिया होगा ये पहले से जाता है यार नहीं हमारे में सक्सेसफुल भी खा रहा है परसों बहुत लग रहा अच्छा तो बहुत ओके थैंक यू। यही लाइन है बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन के लिए। अमेरिका में यस US एम्बेसी। इंटरव्यू कितने बजे का? यहाँ वो पीछे वाला वो एंट्रेंस था क्या? वो सामने था। अच्छा ओके। आज मेरा दिल्ली में F1 वीज़ा का बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट था तो वो DS-160 वहाँ पे रिजेक्ट हो गया डॉक्यूमेंटेशन पे। उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर बायोमेट्रिक्स। जहाँ मैं रह रहा हूँ हरी प्योर को होटल है, ये बहुत अच्छा होटल है, मस्त है, एकदम कंफर्टेबल है। और यहाँ से US एम्बेसी एक्चुअली 5 या 6 किलोमीटर है और कैनॉट प्लेस जो है वो 1.5 या 2 किलोमीटर है। हाँ, सेमी फॉर्मल आउटफिट रखना बस। अगर दिल्ली में आ रहे हो तो गर्मी का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब सूट वगैरह थोड़ा आपको सूट नहीं होगा, थोड़ा एनवायरमेंट ऐसा स्ट्रेस है वहाँ का। पर आपको एक काम करना है, आपको बाकी के इंटरव्यूज पे ध्यान नहीं देना, अपन तो आंसर में आनी चाहिए। तो एक पॉइंट बोलते टाइम भी बीच में इंटरप्ट कर दिया। व्हाट वाज आई सेइंग, आई एम गोइंग फॉर एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी बिकॉज़ एरिजोना स्टेट हैज। नहीं, 2 नंबर गेट पे जाना है। तो हम अभी जा रहे हैं इंडिया गेट, मतलब आप भी आ रहे हो तो मेक श्योर कि रिक्शा वाले को, मतलब ऑटो वाले को कहना कि एंट्री गेट तक छोड़ दे, वो हमें बहुत पीछे छोड़ दिया उन्होंने। हम आगे एंट्री गेट के पास जा रहे हैं, बहुत दूर है वो भी एंट्री गेट अभी, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है भाई। वाह, की चीज़ है मुगल इंटर शाहजहां। गर्मी बहुत भयंकर है भाई, मोस्टली ये गर्मी मतलब पोल्यूशन है थोड़ा, और एसी का एग्जॉस्ट वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें है, ऐसी गर्मी है भाई। मधमाशी होती बहुत भयंकर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, बाप रे। एक दो तीन फोटो खींचेंगे बहुत एकदम और खिसक लेंगे भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये भाई इंडिया गेट, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, भीड़ और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। कुछ नहीं बस, सॉरी रेड फोर्ट भी इंडिया गेट, मैंने इंडिया गेट बोला गलती से, इंडिया गेट बोला मैंने, यही है रेड फोर्ट। बहुत भयंकर तूफान की वजह से पेड़ भी गिरे हैं यहाँ पे। और वैसे अगर कोई लाल किले में आना चाहता है तो शाम को आना प्रेफरेबली, लाइट्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ होते। कितना टाइम था वो बारिश? आधा घंटा रहा पूरा, बस आधे घंटे में इतना सब हुआ। उन्होंने वो फाड़ के स्प्लिट एसी फेंक दिए। हाँ, यूनिट फेंक फेंक के मारे। हाँ, महाराज परसों के तूफान में
जबकि एक मॉडल है वो देखो उसके पंखे तक नहीं टूटे उससे, कुछ भी नहीं टूटा, कुछ भी शुरुआत में हुआ हमारे साथ वो आपने वैसे करा होगा ऑटो, मैं हमने ऐसे किया था ओला से वगैरह, वो क्या करते हैं पहले मतलब दूसरा रास्ता वो मैप पे दिखाता है, वो अलग रास्ता से जाते हैं। मैं तो देखो पूरा मैप टू मैप आया। हाँ नहीं आपने वो पहले जो हुआ ना तो वो मैप छोड़ के दूसरे रास्ते से गए। मैं सभा कह रहा हूँ अपने मैप चालू रखो साथ के साथ। हाँ उधर से कितना दूर जाना पड़ेगा? दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आगे से। हाँ आगे से राइट में नीचे होगा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं अभी घर जा रहे हैं, खत्म ब्लॉग भी खत्म, ट्रैवल भी खत्म एंड मेट्रो स्टेशन पे ब्लॉग खत्म करेंगे। ठीक है एनीथिंग यू वांट टू से? मेट्रो ट्रैवल इज वेरी गुड। यस फर्स्ट टाइम इन दिल्ली मेट्रो, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और इसी तरीके से यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे ब्लॉग एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। सब्सक्राइब करना, 10K पहुँचना है US से पहले। ओके तो ठीक है, पानी पीते रहना तब तक। ओके बाय बाय।